नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा दसवीं में जो आपका इंग्लिश विषय का पेपर हुआ है 12 मार्च 2020 को, दोस्तों उसकी संपूर्ण आंसर की। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन में पहला पैसेज आया था दोस्तों। तो दोस्तों सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं, बाद में सीधे उत्तर बताऊँगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है द जाइंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इसका उत्तर है, इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए लिटिल ए ट्री क्वाइट कवर्ड एंड विद लवली वाइट ब्लूसम्स, इट ब्रांचेज वेयर गोल्ड एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव डाउन स्टेयर रेन द जाइंट इन द ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गैदर्ड। तो दोस्तों इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न है, कहने का मतलब ये है कि उस जाइंट ने ये देखा कि एक गार्डन के अंदर एक सुनहरे और चांदी के कलर के फ्रूट हैं। आई बात समझ में, उसने ये देखा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, हु वॉज स्टैंडिंग अंडर नीथ द ट्री। तो वहाँ पे ट्री के नीचे एक छोटा सा लड़का खड़ा था, आई बात समझ में, जो कि जाइंट ने देखा। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न, वाई डिड द जाइंट फेस ग्रो रेड विद हंगर। तो दोस्तों जो उसका जाइंट का जो फेस था वो क्यों गुस्से से भर गया, क्योंकि उसने देखा कि एक बॉय खड़ा है मेरे गार्डन के नीचे, ठीक है। तो दोस्तों उसने देखो इसका उत्तर ये होगा कि ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वेयर प्रिंट द टू ऑफ नेल्स एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फीट। यानी कि उसके उसके हाथ और उसके पैर पर दो नाखून के निशान थे, इसकी वजह से जायंट को गुस्सा आ गया। आई बात समझ में। दोस्तों चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जायंट। दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये होगा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टूडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। यानी कि आज मुझे आपके गार्डन पे खेले दो, कल आप मेरे साथ चलना मेरे गार्डन के अंदर, जायंट को बॉय बोलता है और वो एक प्रकार का पैराडाइज है यानी कि जन्नत है। दोस्तों इस पैसेज का पांचवा प्रश्न, फाइन वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन एक्सट्रीमली लार्ज पर्सन, यानी कि जायंट। दोस्तों आगे यहाँ पे बी है, इंजरी का मतलब वाउंड यानी कि घाव। दोस्तों इस पैसेज में दूसरा पैसेज आता है दोस्तों हमारे पास में, जो कि वाटर से संबंधित आया है, पानी से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पे छठा है, देखो व्हाट डिड द कॉलरिज से अबाउट वाटर, कॉलरिज ने वाटर के बारे में क्या कहा। तो दोस्तों उसने कहा, वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि पानी हर जगह लेकिन पानी के लिए एक भी बूंद नहीं है पीने के लिए। आई बात समझ में। दोस्तों सातवां प्रश्न है हमारे पास में, व्हाट मेक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस। तो दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये होगा कि बी इट्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वॉशिंग, यानी कि पानी है उसका मतलब कि दुष्प्रभाव कहाँ हो रहा है, उसका पानी कहाँ खत्म हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, वॉशिंग के अंदर, क्लोथ्स के अंदर, क्लीनिंग के अंदर, डिशेज के अंदर, बाथिंग के अंदर, फ्लूशिंग के अंदर, शेविंग के अंदर, और यहाँ तक कि पीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी का नाश हो रहा है। दोस्तों आगे हमारे पास में आठवां है वाई कैंट वी टेक वाटर फ्रॉम ग्रांटेड एनी लॉन्गर। दोस्तों तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये होगा कि रिवर्स आर बर्निंग इनटू ट्रिकल्स लेक्स पॉन्ड्स एंड श्रिंकिंग एंड वेल्स आर ड्राइंग अप। इसके कारण दोस्तों पानी है वो अधिक समय तक नहीं आ पा रहा है। दोस्तों नौवां प्रश्न, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें इंश्योर करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये होगा कि देखो गवर्नमेंट कैन डू लिटिल अबाउट द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डूइंग ऑल इट कैन टू एग्यूमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टू स्प्रीड अवेयरनेस, यानी कि हमारे लिए अवेयरनेस पैदा कर रही है, जुडिशियस देखो थ्रू ऑडियो विजुअल कैंपेन्स, यानी कि वो एक प्रकार के कैंपेन्स भी चला रही है ऑडियो विजुअल, आई बात समझ में, कि पानी बचाओ बेटी बचाओ पानी बचाओ, इस प्रकार से वो बता रही है। दोस्तों दसवां प्रश्न, आपको इसका वीन बताना था। दोस्तों देखो ए है सेंसिबल एंड केयरफुल यूज ऑफ समथिंग। तो जुडिशियस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दसवें का बी है द प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंजर्वेशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दूं, हमारे जो पर्सन बताए गए थे वही पर्सन आपके आए हैं। दोस्तों सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में 11वां पर्सन देख सकते हैं आप, यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, योर फ्रेंड कुणाल हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन द एथलेटिक्स, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन हिम टू ऑन सक्सेस। यानी कि आपका जो दोस्त है कुणाल वो एक गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में, तो आप शुभम होने के नाते उसको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक लेटर भेजो। दोस्तों 11वें केसवा में है, यू आर मिताली राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द
एयर पोल्यूशन कॉज बाय बर्निंग प्लास्टिक वेस्टेज इन योर लोकेलिटी। मैंने आपको कहा था लेटर टू द एडिटर आएगा नव भारत टाइम्स का, लेकिन यहाँ पे आया तो एडिटर का ही लेटर है ना दोस्तों, यानी कि मैंने जो बताया था वही आया दोस्तों। दोस्तों 12वां प्रश्न, आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ पौधे किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं, और माई फेवरेट स्पोर्ट, यानी कुछ भी लिख सकते थे, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह कुछ भी लिख सकते थे। दोस्तों चाइल्ड लेबर बाल श्रम पर आ चुका है दोस्तों, बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पैराग्राफ लिखना था। दोस्तों आगे हमारे पास में सेक्शन सी जो कि ग्रामर सेक्शन आता है, जिसमें 14वां प्रश्न आपको टेंस दिया गया है। दोस्तों आपको सही वर्ब का यहाँ पे चयन करना था किसी भी वाक्य के अंदर, जिसमें ए है द अर्थ, तो यहाँ पे द अर्थ राउंड द सन, तो यहाँ पे रिवॉल्व आएगा दोस्तों। बी है राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। सी है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklearn.in, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। डी है वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। ई है आई मेट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे। एफ है हमारे पास में शंकर वाज यहाँ पे प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। दोस्तों आगे है जी वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो। आगे हमारे पास में एच ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों आगे हमारे पास में आपको प्रोनाउन का सही यूज करना है। 15वें के ए है हमारे पास में दिस इज द टीचर, तो हु टॉट्स अस इंग्लिश, तो दोस्तों इसका ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे हमारे पास में 15वें का भी है दोस्तों, इस पर हमारी चर्चा चल रही है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। दोस्तों आगे हमारे पास में 16वें का ए है, इसमें आपको एक्टिव वॉइस दिया गया, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग काइट्स, ठीक है, तो दोस्तों फ्लाइंग काइट्स यहाँ पे इसका होगा काइट्स आर बींग फ्लोन बाई चिल्ड्रन। बी है द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाई पुलिस। दोस्तों आगे इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राम सेड डिड यू लाइक द मूवी, तो यहाँ पे होगा राम आस्क्ड इफ आई हैड लाइक द मूवी। दोस्तों बी होगा दे सेड हुर्रा वी हैव द वॉन द मैच, तो दोस्तों इसका होगा दे एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड वॉन द मैच। दोस्तों आगे हमारे पास में सी है शूट द प्रिजनर सेड द ऑफिसर कमांडेड शूट टू द प्रिजनर। दोस्तों आगे हमारे पास में डी है हमारे पास में शी शेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, तो इसका होगा सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू हर। तो दोस्तों आगे हमारे पास में आपको मॉडल का यूज करना है, तो दोस्तों 18वीं का ए है ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। बी है रोहित कैन सॉल्व द सम इजीली। दोस्तों आगे हमारे पास में लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन डी, जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आए हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है, तो इसमें आपको पहला प्रश्न है दोस्तों देख सकते हैं व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेज, हमें क्या दूर रखना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंट माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प मी टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेज। दोस्तों आगे है व्हाई इज इट इजी इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, तो दोस्तों हमें हमारे नेशन को पॉजिटिव हेल्थ रखने के लिए किस प्रकार से हम अचीव कर सकते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीट सोशल सिस्टम्स। आई बात समझ में। दोस्तों आगे हमारे पास में है विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बींग कम्पेयर्ड, तो दोस्तों कौन कौन सी कंट्री है वो कंपेयर की जाती है, तो दोस्तों आपको इसका उत्तर है वो आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत खतरनाक यहाँ पे हेल्थ के लिए चला रहता है। दोस्तों आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न है, जिसमें आपको पैसेज बताया गया है, जिसमें ए है व्हाट विल हैपन इफ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन लॉज, तो दोस्तों इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन द मून द स्टार्स ओबेस्टे सर्टेन लॉज। दोस्तों आगे हमारे पास में बी है व्हाट इज द प्रे टू मैन, तो दोस्तों यू देखो यहाँ से होगा यू वॉज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे हमारे पास में सी है व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट, तो दोस्तों देखो हमें कौन सेपरेट करती है ब्रूट से, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से होगा प्रेयर इज नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट। आई बात समझ में। अब रूल्स का मतलब आपको इस पैसेज में से ढूंढ के बताना है दोस्तों, रूल्स का मतलब डिसिप्लिन होगा दोस्तों, क्या होगा डिसिप्लिन, आई बात समझ में। दोस्तों आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न है द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल, आपको नूडल का करेक्टर स्केच बताना
करना है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर में से आया हुआ है। देखो जांबाजी टीचिंग अफेक्ट द विलेजर्स द टेल ऑफ द बिश्नोईज। देखो जांबाजी ने 29 नियम दिए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने 29 नियमों की सहायता से बताया था कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, आई बात समझ में। और वो बिश्नोई समाज के एक धार्मिक एक प्रकार के धार्मिक वहाँ पे बन गए थे, संत बन गए थे। दोस्तों 22वां प्रश्न देख सकते हैं, हाउ वाज द किंग डिफरेंट फ्रॉम हिज नेबर्स। द लेडी ऑन द टाइगर से आया हुआ है। देखो हाउ डिड बबुलीज वाइफ रिएक्ट ऑन हियरिंग अबाउट द पार्टीशन द ट्रिब्यूट चैप्टर में से आया हुआ है। दोस्तों आगे हमारे पास में पोईम आई गई है दोस्तों, जो कि रिस्क चैप्टर में से आएगी है। मैंने आपको कहा था रिस्क चैप्टर में से आएगी, जो कि जनेत रैंड की हमारे पास में यहाँ पे पोईम है, आई बात समझ में। तो दोस्तों ये आपको पोईम का नाम हो गया और ये पोईम के पोइट हो गए, आई बात समझ में। तो दोस्तों आगे हमारे पास में 23वें में भी जो पोईम आई है वो आई है दोस्तों माई गुड राइट हैंड, आई बात समझ में, माई गुड राइट हैंड से आई है। दोस्तों आगे हमारे पास में 24वें का फर्स्ट है, वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। जो कामदेव हैं प्रेम के देवता हैं वो फूलों की देवी फ्लोरा के पास में क्यों आए, क्योंकि कामदेव चाहते थे कि आप लिली और गुलाब से भी अच्छा फूल बनाओ, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा फूल हो जो कि सबसे बढ़िया फूल हो, जिसकी सुगंधित हो वो लिली से भी और जो गुलाब से भी ज़्यादा हो। दोस्तों दूसरा है व्हाट इज एन एलेगी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, वहाँ से आया हुआ है दोस्तों। सी है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, रिस्क में से आया हुआ है दोस्तों। आगे हमारे पास में मैंने आपको कहा था कॉर्पोरल टर्नबुल का, यहाँ पे आपको करेक्टर स्केच पूछा जाएगा। ये एक बहुत खतरनाक आदमी था जो कि ग्रेनेड फेंकना सिखाता था और इसके शरीर पर कोई भी वार कर दो तो ये सहन नहीं करता था, उसका बदला लेने के लिए उत्सुक रहता था। दोस्तों बी है ग्रिफिन वाज रेदर ए ला लेस पर्सन एक्सप्लेन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आया हुआ है। दोस्तों आगे हमारे पास में व्हेन डिड समीर पेरेंट्स ग्रंट एंड व्हाट डिड दे से, मैंने आपको कहा था समीर के पेरेंट हैं वो उसको कोई भी काम करने के लिए मना करते थे, क्योंकि समीर था वो किशोरावस्था के अंदर था, 16 से 7 वर्ष की उम्र थी। तो दोस्तों उसको मना करते थे कि तेरी अभी उम्र नहीं हुई है कि तू कोई काम कर सके, तेरे को इतना पता नहीं है कि तू काम कौन सा अच्छा है कौन सा गंदा है, इसमें तेरे को फर्क करना आया नहीं है दोस्तों अभी तक। देखो यहाँ पे हाउ डिड द पर्पल जार लॉस्ट हिट्स फेवर विद, और यहाँ पे रोजेमंड द पर्पल जार में से आया हुआ है। दोस्तों आगे 27वां पर्सन है हमारे पास में, हाउ डिड दुर्सन अगा अर्न हिज लिविंग, मैंने आपको कहा था यही पर्सन आ गया, सेम टू सेम आ गया दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों आगे हु इज हाई महाराजा इन द स्टोरी, हाई महाराजा चैप्टर में से आया हुआ है। दोस्तों आगे मैंने कहा था कार पुलिंग आने वाला है, कार पुलिंग का मतलब क्या दोस्तों, यदि आपके पास में गाड़ी है जहाँ पे 4 सीटें हैं, आई बात समझ में। दोस्तों अब गाड़ी है, अब हमें क्या करना चाहिए, हर आदमी गाड़ी ले लेगा तो दोस्तों तो आपको पता ही है कि दुनिया में जो जगह है वो तो सीमित है, अब सारे गाड़ियाँ ले लेंगे तो जगह बुक हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारा जो प्रकृति है उसकी विनाश हो जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे भूखमरी गरीबी बढ़ रही है दोस्तों, तो कार पुलिंग हमें नहीं करनी चाहिए, हमारा इससे प्रदूषित जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। अब सारे गाड़ियां लेके चल पड़ेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही दोस्तों, तो ये कार पुलिंग है दोस्तों। आगे ड्रंकन ड्राइविंग यानी कि दारू पी के गाड़ी चलाना किस प्रकार से है, तो दारू पी के गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर आया था, आपको संपूर्ण आंसर की बता दी मैंने। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से ये पेपर लगा, आपको मैंने किस प्रकार से आंसर की बताई, यदि कोई उत्तर गलत है मेरा तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों यदि आप इस पेपर की PDF पाना चाहते हैं आंसर के सहित, तो दोस्तों आगे मैंने बताया कि आप इस पेपर की PDF किस प्रकार से पा सकते हैं, तो आगे भी जरूर देखना। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं 8वीं और 5वीं के मॉडल पेपर पाने के लिए आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है rjstudymasala.in, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया। दोस्तों आपको सर्च करने के बाद में हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वेबसाइट खुलने के बाद में आपको ये वाला लिंक मिलेगा 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा पेपर 2020 मॉडल पेपर। तो दोस्तों आपको सीधा यहीं पर क्लिक करना है फोटो पर, जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो दोस्तों आपको नीचे सारे के सारे विषयों के 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं सभी विषयों के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप गूगल पर आरजे स्टडी मसाला लिखकर सभी मॉडल पेपर पा सकते हो, चाहे आपकी 8वीं कक्षा हो, चाहे आपकी 10वीं कक्षा हो, चाहे आपकी 12वीं कक्षा हो, चाहे वो आपकी 5वीं कक्षा हो। तो दोस्तों गूगल पर जाकर आरजे स्टडी मसाला जरूर विजिट करें।